हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। हैरानी की बात यह रही कि कांग्रेस ज्वाइन करते समय ब्रजेंद्र सिंह के साथ ना तो उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह थे और ना ही उनकी माँ प्रेमलता उनके साथ में थी। एक सोची समझी रणनीति के तहत ही बीरेंद्र सिंह खुद तो बीजेपी में रह गए हैं, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह अकेले ही कांग्रेस में चले गए हैं। ब्रजेंद्र सिंह ने आखिर बीजेपी क्यों छोड़ी है, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहले आप ये सुनिए कि ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ते हुए क्या कहा है। ट्विटर पर एक संदेश जारी करते हुए, एक पोस्ट डालते हुए ब्रजेंद्र सिंह ने लिखा है कि वो राजनीतिक कारणों से बीजेपी को छोड़ रहे हैं। उन्होंने हिसार से सांसद बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में क्यों गए हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि ब्रजेंद्र सिंह की टिकट हिसार से कट चुकी थी। ये साफ तौर पर संकेत मिल गया था कि ब्रजेंद्र सिंह को दोबारा हिसार से लोकसभा की टिकट नहीं मिलेगी और उनकी जगह बीजेपी कोई दूसरा चेहरा उतारेगी। टिकट कटने के कारण ही ब्रजेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया है और अब वो हिसार या सोनीपत से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। अगला सवाल ये उठता है कि अब बीरेंद्र सिंह क्या करेंगे और बीरेंद्र सिंह बीजेपी कब छोड़ेंगे। बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि वो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन नहीं देखना चाहते। अगर बीजेपी ने जेजेपी का गठबंधन कायम रखा तो वो फिर बीजेपी छोड़ देंगे। शायद बीरेंद्र सिंह अगले 12-15 घंटे इस बात का इंतजार करेंगे कि बीजेपी हरियाणा में जेजेपी को कोई सीट देती है या नहीं देती है। अगर बीजेपी ने जेजेपी के लिए एक सीट छोड़ने का फैसला किया तो अगले 2 घंटे में ही बीरेंद्र सिंह भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर देंगे। यह भी सवालिया निशान है कि बीरेंद्र सिंह इस फैसले के जरिए बेटे को कांग्रेस में ज्वाइन करने के जरिए हरियाणा की पॉलिटिक्स पर कितना असर डालने का काम करेंगे। यह सच्चाई की बात है कि 2013 में बीरेंद्र सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था तो 2014 में हरियाणा में बड़ा सियासी परिवर्तन हुआ था और बीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह के माहौल के चलते ही बीजेपी पहली बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाने में सफल हुई थी। अब ये भी देखने की बात रहेगी कि बीरेंद्र सिंह फैमिली की कांग्रेस में वापसी के बाद क्या दोबारा से हरियाणा में बड़ी सियासी लुटफेर होगी, क्या कांग्रेस दोबारा से मजबूत होगी, क्या बीरेंद्र सिंह के बलबूते पर कांग्रेस मजबूत होने का काम करेगी, क्या कांग्रेस के अंदर बीरेंद्र सिंह को महत्व मिल पाएगा। ये सारी बातें अगले कुछ दिनों में ही साफ हो पाएंगी, लेकिन ये बात तय है कि बीरेंद्र सिंह के टिकट कटने के चलते ही उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। अब इंतजार इस बात का रहेगा कि बीरेंद्र सिंह बीजेपी को बाय बाय टाटा करने का ऐलान कब करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर और हरियाणा की सियासत की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए K9 मीडिया और खरी खरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।